KDMC यानी कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कल्याण का आज का डेट का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 25 लाख से भी ज्यादा, और इस वजह से रेलवे स्टेशन और रोड्स हमेशा क्राउडेड होते हैं। उसके साथ कल्याण स्टेशन के बाहर का एरिया भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, जहां आपको ऑटो वाला दिखेंगे। कल्याण स्टेशन को और ज्यादा क्राउड इसलिए भी है क्योंकि यहाँ लोकल ट्रेन के साथ मेल्स भी रुकती है, और भिवंडी जाने के लिए आपको कल्याण वेस्ट से ऑटो या बसेस मिलती है। कल्याण और डोंबिवली टॉप 100 स्मार्ट सिटी में लिस्टेड है क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन मोस्टली एजुकेटेड है, और ये ट्विन सिटी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लवर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है पिछले कुछ सालों से। बट एक चीज है जिससे कल्याण में रहने वाले परेशान है, वो है ट्रैफिक और ओवरक्राउडिंग, और इस वजह से कल्याण स्टेशन का पूरी तरह रीडेवलपमेंट होने वाला है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। कल्याण रेलवे स्टेशन जो 170 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, और सेंट्रल रेलवे इस स्टेशन को अपग्रेड करने वाली है। कल्याण स्टेशन पे डेली 850 से ज्यादा ट्रेन्स आती है, जो मुंबई के साथ नासिक और पुणे को भी कनेक्ट करती है। जब से कल्याण स्टेशन की शुरुआत हुई है तब से अब तक ट्रैक्स में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, इस वजह से ट्रेन्स लेट होते हैं मोस्टली कल्याण स्टेशन क्रॉस करने के बाद, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को हर रोज तकलीफ होती है, और इस वजह से कल्याण स्टेशन को अपग्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनने में ऑलमोस्ट 900 करोड़ खर्च होने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट 2025 के एंड या फिर 2026 के बिगिनिंग तक शुरू हो सकता है। स्टेशन के रीडेवलपमेंट में कई सारी चीजें होने वाली है, जैसे रेलवे ऑफिस बिल्डिंग, रिटेल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, मल्टी लेवल कार पार्किंग। कल्याण ईस्ट और कल्याण वेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है, जहाँ कल्याण वेस्ट स्टेशन से उतरते ही बाहर निकलते हैं, वही ईस्ट में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है बाहर निकलने के लिए। इसलिए सेंट्रल रेलवे ने 32 रेल लाइंस है जो मालगाड़ियों के लिए अवेलेबल है, इसमें मेजर चेंजेस होने वाले हैं, और रेलवे ऑफिस, कमर्शियल और रिटेल बिल्डिंग्स ईस्ट साइड में बनने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई सारे फुट ओवर ब्रिजेस, रोड ओवर ब्रिजेस भी बनने वाले हैं, जिसकी मदद से आपको रोड पे आने की जरूरत नहीं है, आप ब्रिजेस की मदद से स्टेशन पहुंच सकते हो। इससे रोड पे पब्लिक कम होगी और ट्रैफिक कम होगा। फिर कल्याण ईस्ट में रहने वाले पैसेंजर्स को तकलीफ कम करने के लिए एलिवेटेड रोड्स बनाने की भी प्लानिंग हो रही है, और अपर डेक्स भी बनेंगे, जिसकी मदद से आप ईस्ट के किसी भी लोकेशन से स्टेशन पहुंच सकते हो। कल्याण स्टेशन एक और चीज की वजह से और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यही से कर्जत और कसारा के लिए ट्रेन्स डिवाइड होती है, और इन दोनों रूट्स की जर्नी को ज्यादा इजी करने का सेंट्रल रेलवे का प्लान है। कल्याण की करंट सिचुएशन है कि जिस प्लेटफॉर्म पे लोकल आती है उसी प्लेटफॉर्म पे मेल्स भी आती है, जिससे एक प्लेटफॉर्म पे दोनों क्राउड होता है। इससे भी सेंट्रल रेलवे ने डिवाइड करने का प्लान किया है। कल्याण रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है, ना सिर्फ कल्याण के लोगों के लिए बल्कि सेंट्रल रेलवे के पैसेंजर्स के लिए जो कल्याण के आगे ट्रैवल करते हैं। कल्याण स्टेशन के बाहर रोड पे चलते वक्त एक चीज पे सबका ध्यान गया होगा कि आपको रास्ते के साइड पे नो पार्किंग जगहों पे कार और बाइक्स पार्क दिखेंगी, और लोग फुटपाथ छोड़ के रास्ते पे चलते हैं जहाँ सिर्फ व्हीकल चलनी चाहिए, और फुटपाथ पे फेरी वाले बैठे दिखेंगे। इसी वजह से मल्टी लेवल कार पार्किंग बनने वाली है, जिसमें कंबाइन 2500 कार और बाइक्स पार्क की जा सकती है। और कल्याण स्टेशन का जो डिजाइन है वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि एक दिन में 5.5 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर सारे प्लेटफॉर्म पे ट्रैवल कर सकेंगे। और आज के डेट की अभी करंट कैपेसिटी बात करूँ तो आज के डेट में लगभग 3.5 लाख पैसेंजर डेली रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। अभी रिसेंटली कल्याण रेलवे स्टेशन के 5th और 6th रेल लाइन की वजह से लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स और कल्याण के ट्रेन सर्विसेज स्मूथ हुई है, और रीडेवलपमेंट करने के बाद वेटिंग हॉल्स की कैपेसिटी 6000 पैसेंजर्स की हो जाएगी, जो अभी सिर्फ 300 लोगों के लिए है, और ये काफी मेजर डिफरेंस है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्टेशन रीडेवलपमेंट का डिजाइन क्लासी होने वाला है, जो आपको एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन का फील देगा। अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो ठाणे स्टेशन जिस तरह रीडेवलप हुआ था, उससे 10 times बेटर कल्याण स्टेशन रीडेवलपमेंट के बाद लगेगा। और अगर आप कल्याण या डोंबिवली में प्रॉपर्टी लेने का डिसाइड कर रहे हो तो यू शुड गो फॉर इट। पूरे प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करूं तो अभी तक 30% काम पूरा हुआ है, और 2026 के बिगिनिंग तक कल्याण स्टेशन पूरी तरह डेवलप हो जाएगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि कल्याण स्टेशन के आसपास का जो क्राउड है वो उतना केओस क्रिएट ना करे जितना अभी होता है, और कल्याण स्टेशन में 2025 तक आपको क्राउड के साथ ही चलना होगा जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता।
लेकिन होपफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ट्रैवलर्स इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। कल्याण स्टेशन के साथ कल्याण मेट्रो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए आपके कल्याण डोंबिवली में रहने वाले लोगों को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।